जो आप देख रहे हैं यह है नाइट्रो पिस्टन जो एनएक्स मॉडल्स में आती है। अधिकतर लोगों ने कहा था क्या ये रिपेयर हो सकती है, तो आप देखिए ये एक डैमेज हो गया है। ये स्प्रिंग या जो प्रेशर है वो अपने हाथ से ही दब जा रहा है, इसको दबना नहीं चाहिए। तो जब ये ख़राब हो जाता है तब ये ऐसा बिहेव करता है। तो क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसे रिपेयर किया जा सकता है। ऊपर जो आप एक होल देख रहे हैं वहाँ से इसमें एयर को रिफिल किया जाता है। ये एक तरह का नट बोल्ट है, इसको आप जब खोलेंगे तो आप इसके अंदर स्प्रिंग एक पाएंगे जो इसको लॉक करता है, और इस एयर को लॉक रखने के लिए अंदर एक बॉल बेयरिंग भी छोटी सी लगी होती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्प्रिंग मैकेनिज्म सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। एक स्प्रिंग है और उसके ऊपर एक छोटा सा टी शेप में पॉइंट है, और उसी के ऊपर थिक बॉल बेयरिंग जो होती है वो टिकती है। तो इसके थ्रू जो होता है, जो एयर कंप्रेशर में डाला जाता है वो इसी से टिकता है। जब ये लीक हो जाता है तभी ये ख़राब होता है। तो क्या डिसाइड आप कर सकते हैं कि इसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास इसको रिपेयर करने के लिए उतना कंप्रेसर का कुछ जुगाड़ ऐसा नहीं था, तो मैं इसको रिपेयर नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम को निकाल दिया और मैंने स्प्रिंग बैठा दिया। तो ये अब एनएक्स जो राइफल है वो स्प्रिंग बेस हो जाएगी।